हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फूडीज कैसल। चलिए आज बनाते हैं उड़ीसा का फेमस काकरा पिठा। ये एक बहुत कम इंग्रेडिएंट से बनने वाला बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन में 2 कप ग्रेट किए हुए नारियल डालेंगे। अब इसमें डालेंगे 1/2 कप चीनी। फिर गैस को ऑन करके इसे हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे जब तक चीनी मेल्ट ना हो जाए। चीनी मेल्ट होते ही इसमें डालेंगे दरदरे कूटे हुए सौंफ, कटे हुए आमंड, कटे हुए काजू और कटे हुए किशमिश। अभी इन सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे। फिर 4 से 5 इलायची को कूटकर इसमें डाल देंगे। अभी इसे एक और बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम बंद करके इसे एक साइड में रख लेंगे। फिर हम कढ़ाई में डालेंगे 3 कप पानी। फिर इसमें डालेंगे 3 चम्मच चीनी, चुटकी भर नमक और 1/2 छोटी चम्मच सौंफ। अभी इसे मिलाते हुए चीनी को मेल्ट कर लेंगे। फिर इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच घी। अभी इसे बॉयल होने देंगे। जब पानी बॉयल हो जाए तब इसमें डालेंगे 2 कप सूजी। इस तरह से आपको कंटिन्यूसली मिलाते हुए सूजी को डालते रहना है। मिलाते रहने के बाद सूजी का टेक्सचर कुछ इस तरह से हो जाएगा। अभी इसे 1-2 मिनट और पकाएंगे, फिर गैस का फ्लेम ऑफ करके हम इसे कवर करके ऐसे ही छोड़ देंगे। सूजी जब ठंडा हो जाए तब इसे एक प्लेट में निकालकर इस तरह से अच्छे से मसल कर मिला लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी और अब घी को भी इसके साथ मिला लेंगे ताकि ये हाथों में बिल्कुल भी ना चिपके। डो हमारा एकदम सॉफ्ट होना चाहिए, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए। तो डो हमारा बन चुका है। अब इसमें से छोटा सा पोर्शन ऐसे लेंगे और इसे और एक बार मसल लेंगे। अभी इसे एक राउंड शेप दे देंगे, फिर अंगूठे की मदद से बीच में होल करते हुए इसे कटोरी का शेप दे देंगे। अब इसके अंदर हमने जो स्टफिंग्स रेडी कर लिया था उसे डालेंगे और इस तरह से इसे बंद कर देंगे। अभी इसे हल्का हल्का प्रेस करते हुए राउंड शेप दे देंगे। ध्यान रखें इसके ऊपर क्रैक्स नहीं होने चाहिए, वरना ये तेल के ऊपर जाते ही फट सकते हैं। तो इस तरह के हम बाकी भी बना लेंगे और मैंने यहाँ पे थोड़े से बना लिए हैं। चलिए अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं। इसके लिए कढ़ाई को बहुत ही अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। फिर इसमें डालेंगे करीब 1 कप रिफाइंड ऑयल और तेल को भी हमें बहुत ही अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। फिर इसमें एक एक करके जो हमने बॉल्स बना के रखे थे उन्हें डाल देंगे। कढ़ाई में जितना जगह हो आप इन्हें उसमें उस हिसाब से डालें। अगर ज़्यादा डालेंगे तो एक तो ये अच्छे से पकेंगे नहीं और ऊपर से ये फट भी सकते हैं। इन्हें डालने के बाद गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और 1-2 मिनट के लिए इन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे। बिल्कुल भी इसमें करछी नहीं चलाएंगे या इन्हें हिलाएंगे भी नहीं। 2 मिनट के बाद इन्हें हल्के हाथों से दूसरी तरफ पलट देंगे। इसी तरह से हमें दूसरे तरफ भी फ्राई कर लेना है और फिर हमें गैस का फ्लेम थोड़ा सा हाई करके और 2-3 मिनट के लिए इन्हें उलट पलट कर फ्राई कर लेना है। इनमें एक बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है, आप देख सकते हैं। अभी हम इन्हें निकाल लेंगे। इससे ज़्यादा आप इन्हें ना पकाएं वरना ये हार्ड हो जाएंगे और खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। तो इसी तरह से हम बाकी के पीठा भी फ्राई कर लेंगे और सभी को फ्राई कर लेने के बाद ये हमारे काकरा पीठा तैयार हो चुके हैं। जैसा कि आपने देखा इन्हें बनाने में बिल्कुल भी झमेला नहीं है, तो आप कोई भी त्यौहार में इसे बनाकर एंजॉय करें। बाहर से ये थोड़ा थोड़ा क्रिस्पी रहता है, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और अंदर नारियल का जो स्टफिंग है ये खाने में बहुत ही अमेजिंग लगता है। तो आप भी इसे बनाकर एक बार ज़रूर ट्राई करें और अपना रिव्यू मेरे साथ कॉमेंट में शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।